नमस्कार, मैं गर्वित आप सभी का अन अकेडमी पर स्वागत करता हूं और बहुत बहुत स्वागत सभी दोस्तों का जो अभी तक साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो सभी बच्चे एक बार फिर से हम लोग मिले हैं किसके लिए, अपने मिशन खाकी को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जो हमने इस बार ठाना है कि इस बार खाकी की वर्दी हमको लेनी है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने बच्चे भी इस जॉब की तरफ कार्यरत है, इसके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो सारे बच्चों को जल्द से जल्द और इसी भर्ती में इस जो वर्दी है, इस वर्दी को पहनने का अवसर प्राप्त हो। तो इसी आशा और उमंग के साथ, इसी कामना के साथ करते हैं स्टार्ट आज के सेशन को। आइए जानते हैं कि आज के पिटारे में आप लोगों के लिए क्या है। गुड इवनिंग भाई प्रिंस। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आज हम फिर से एक बार हाजिर हुए हैं फ्री मिनी कोर्स ऑफ मैथ को लेकर। आपको पता है कि रेगुलर ये क्लास मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। रोज 8:45 पर इस क्लास का टाइम होता है, तो रोज 8:45 पीएम से लेकर 9:45 पीएम, यानी कि रोज एक घंटा हम कुछ सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। और ये वही सवाल होते हैं जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो आप यूपी एसआई की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपको कोई पेट का एग्जाम देने की बच्चा तैयारी करता होगा, या फिर एसएससी से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करते होंगे। ठीक है, ऐसे सभी एग्जाम की तैयारी के लिए ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाता हूं, आपको पता है अगर आप स्पीड टेस्ट देते हो या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाते हो, तो ऐसे सभी क्वेश्चंस आपको लगातार देखने को मिलते रहते होंगे। ठीक है भाई, तो एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को जो हमारे एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन चुके हैं या फिर आगे हमारे परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं। तो आइए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहली बात, इस क्लास के बाद ही ये क्लास 9:45 पर खत्म हो जाएगी, और इस क्लास के खत्म होने के बाद ही रात्रि 10 बजे एक आधे घंटे का सेशन होने वाला है आप लोग का, मात्र 30 मिनट का सेशन होगा, जहां पर हम करने वाले हैं क्या, वर्ल्ड मैपिंग। ये भी एक सीरीज है, ये क्लास भी आपकी रोज चलती है, रेगुलर रहती है, तो रोज आपके लिए दो क्लास में फ्री क्लासेस लेकर आता हूँ। ठीक है, रात को 10 बजे वर्ल्ड मैपिंग, वहां पर भी सारे बच्चे टाइम से प्रेजेंट होना। इस क्लास का लिंक, 10 बजे वाली क्लास का लिंक आपको मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर भी दे रखा है पिन करके। ठीक है, तो आप चाहें तो उसको जाकर भी नोटिफाई भी कर सकते हैं। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को और लगाते हैं आपके सामने कि आज हमारे पिटारे में क्या है। तो सबसे पहली बात तो आज जो क्लास होने वाली है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस के सवालों पर बेस्ड होने वाली है, यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं, तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के उन सवालों को करने वाले हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये सारे के सारे PYQs हैं। क्या है बेटा, PYQs। PYQ का मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं ये एग्जाम में पहले आ चुके हैं, और जब एग्जाम में आ चुके हैं तो आप सारे बच्चे खुद समझदार हो कि आगे के एग्जाम्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये बनने वाले। ठीक है भाई, गुड इवनिंग निधि, गुड इवनिंग। जितने बच्चे भी जुड़े हैं सभी का बहुत बहुत स्वागत है, प्रिंस, पंकज, गीता, प्रीति, ललित, निधि, बीना, तोमर, स्वागत है बेटा। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। चलिए भाई, तो आज यानी कि हम अगले एक घंटे प्रॉफिट एंड लॉस के बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल करेंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, यानी कि पहले के पेपर में आ चुके हैं। अगर पहले के पेपर में आ चुके हैं दोस्तों, तो आगे के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो क्लास का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आपके सामने हाजिर है, और लगाइए सारे बच्चे सवाल का सही उत्तर क्या होगा। आपको सवाल करने का मिलेगा 75 सेकंड या 90 सेकंड देते हैं, चलो ठीक है 90 सेकंड। बताइए भाई। नमस्ते मोनिका, हाउ आर यू, कैसे हो बेटा। तो इस सवाल का उत्तर प्रीति कर चुकी है, बाकी सारे बच्चे भी ट्राई करें और बताएं सवाल का उत्तर क्या होगा। मैं भी बढ़िया एकदम, बस गर्म पानी पी रहे हैं और जी रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन चल रहा है,
तो भाई कुछ बच्चों ने सवाल का उत्तर किया है, अब कुछ बच्चों से सवाल का उत्तर नहीं हुआ कोई बात नहीं, चलिए समझते हैं सवाल को। हिंदी में क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, देखो मैं समझा रहा हूँ। एक वेंडर ने दस रुपए में केले खरीदे हैं, ठीक है, 10 रुपए में 6 केले खरीदे हैं, 6 केले, ठीक है, 10 रुपए में 6 केले हो गए, यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो गई भाई, पता नहीं क्यों हुआ ये, 10 रुपए में 6 केले खरीदे हैं और 4 6 में बेचे हैं और 6 रुपए में 4 केले बेचे हैं, ठीक है भाई, तो इस तरीके से बनेगा। अच्छा मोनिका ने बताया सर 10% आंसर है, ठीक है, देखिए भाई बाकी बच्चे देखें सवाल को क्या बोला गया। सवाल में कह रहा है कि एक वेंडर है, वेंडर का मतलब क्या होता है, जो आपको पता है कि सामान बेचते हैं ना टहल टहल के इधर से उधर ठेले वगैरह वाले होते हैं, वेंडर्स बोलते हैं, ठीक है, तो वेंडर बेटा क्या कर रहा है, एक वेंडर ने 10 रुपए में 6 केले खरीदे, 10 रुपए में 6 केले खरीदे, तो यहाँ पर लिख ले रहे हैं कि बेटा 10 रुपए में कितने केले आते हैं, 6 केले आते हैं, हाँ प्रिंस बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि 6 रुपए में 4 केले बेचे हैं, तो बेटा 6 रुपए में कितने केले बेचे, 4 केले बेचे। अब सवाल में कह रहा है कि आपको बताना है कि प्रॉफिट या लॉस निकालना है क्या होगा। देखो जब भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले और आगे आने वाले जो अभी आपके सामने सवाल आने वाले हैं, इन सारे सवालों में कहीं ना कहीं क्वेश्चन कुछ इस टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है, अगला क्वेश्चन भी ऐसे ही मिलने वाला है, तो देखना बेटा ऐसे सवाल जब भी आपके सामने आए तो हमेशा नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लो। क्या करोगे बेटा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम कर लो। देखो सोच के देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने कोई चीज खरीदी, कि मैंने 10 किलो चीज खरीदी 100 रुपए में, ठीक है, फिर 10 किलो चीज मैंने खरीदी 150 रुपए में और 60 किलो चीज मैंने बेच दी 121 रुपए में, अब मैं तुमसे कहूं प्रॉफिट लॉस कितना होगा तो तुम्हें दिक्कत होगी बताने में, तो तुम्हारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तुम कहोगे सर अगर आपने 150 किलो चीज खरीदी तो ये बताओ कि 150 ही कितने की बेची, आई ना बात समझ में, यानी कि जितनी चीज खरीदी उतनी ही तो बेचोगे पूरी की पूरी, ठीक है। तो ऐसे सवालों में जो वस्तुओं की संख्या है, जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है बेटा, उनको बराबर कर लो, तो 6 और 4 का लासापा कितना होता है, एलसीएम कितना होता है बेटा, 12 होता है, तो इसको बना लो 12, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे कर दो 3 से मल्टीप्लाई, सेम काम बच्चों यहाँ पर भी करना पड़ेगा 2 और 3 से मल्टीप्लाई। अब देखो भाई इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि 20 रुपए में 12 केले आ रहे हैं, 20 रुपए में कितने केले आ रहे हैं बच्चों, 12 केले आ रहे हैं, तो क्रय मूल्य निकल गया, कॉस्ट प्राइस हो गई, और उसके बाद 18 रुपए में 12 केले बेचे जाते हैं। अब आपके सामने देखो सिंपल लगेगा सवाल ये, यानी कि आपने केले खरीदे कितने थे 20 रुपए के और कितने के बेच दिए 18 रुपए के, तो बेटा क्या हो रहा है, आपको सर यहाँ तो हमें लॉस दिख रहा है, यहाँ क्या हो रहा है बेटा 2 रुपए का लॉस हो रहा है, तो 2 रुपए का लॉस कितने पर हो रहा है, 20 रुपए पर। प्रॉफिट हो या लॉस हमेशा किस पर होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य पर, तो 2 रुपए का लॉस है 20 रुपए पर है, तो 100 पर कितना बनेगा, ये सवाल का उत्तर बन के आ जाएगा, तो आप काटेंगे इसको तो कितना बनेगा 1/10, यानी कि आंसर कितना आ गया 10% लॉस। क्या सारे बच्चों को सवाल समझ में आया, एक बार थम्स अप कर दीजिए जरा, इतने सस्ते मिल ही नहीं रहे थे, झूठ है ये सर, सर अमन कह रहे हैं सर इतने सस्ते केले कहाँ मिल रहे हैं, और अब तो वैसे भी ऐसा ही की भर्ती आ गई है, भर्ती आने के बाद केले हैं, बादाम है, काजू है, ये सब तो महंगे वैसे ही हो जाते हैं, है ना, क्योंकि बच्चा ये खाता है दबा के, है कि नहीं, सुबह बच्चा रनिंग पे जाता है, रात में ड्राई फ्रूट्स भुगोता है, सुबह ड्राई फ्रूट्स खाता है, और अगर नहीं खाते तो खाया करो, ठीक है, जो बच्चे अगर एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो प्रोटीन और विटामिन सब आपको मिल जाएगा। आरबीए का एग्जाम है तुम्हारा, तुम आरबीए का एग्जाम दे रहे हो, ये कब किया तुमने अमित, वेलकम टू द क्लास, चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की ओर, बताओ अभी फटाफट से इसका आंसर क्या आएगा, इसके लिए तो 1 ही मिनट काफी होगा। अरे तो तुम बैंक की तैयारी कब से करने लग गए, सॉरी अमित ने कर दिया, अमन ने कर दिया, पूजा ने कर दिया, मीनू ने कर दिया, प्रीति ने कर दिया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। देखो सेम क्वेश्चन है, आसान सवाल है काफी, निधि ने भी कर दिया, प्रीति सिंह ने भी किया, प्रीति गुप्ता ने भी किया, चलिए भाई। अच्छा सारे बच्चे यहाँ पर देखना, नीचे आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, ये डेली फ्री क्लासेस है आपकी,
एक 8:45 पर होती है बेटा मैथ की, और वर्ल्ड मैपिंग करवा रहा हूँ मैं 10 बजे, ठीक है। तो आप इन दोनों क्लासेस को ज्वाइन करिए क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड मैपिंग भी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हुए चल रहे हैं हम लोग इसके अंदर, ठीक है। और ये क्लास तो आपकी रहती है, ठीक है। चलो अब इस सवाल को पढ़ते हैं। देखो सवाल में आपसे बोला गया है कि 11 क्या भाई 10 रुपए की 11 खरीदे गए, यानी कि 10 रुपए के कितने खरीदे बेटा 11 खरीदे, और 11 रुपए के 10 बेच दिए, 11 रुपए के कितने बेचे बेटा 10 बेचे। मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं करना, आपको नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करना है, तो ऊपर 10 से गुणा करा दो, नीचे 11 से गुणा करा दो, सेम काम बेटा यहाँ पर कराना पड़ेगा। तो ये मैंने करा दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप कोई चीज 100 रुपए की कितनी लेकर आते हो 110 लेकर आ रहे हो, ये क्या हो गया क्रय मूल्य, क्योंकि इतने में खरीदा है, 110 आर्टिकल पड़ रहे हैं 100 रुपए के, ठीक है। और कितने में बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य की बात करेंगे, तो आप कहोगे सर 110 आर्टिकल बेच रहे हैं कितने रुपए के, आप कहोगे सर 121 रुपए के, कितने के बेच रहे हैं 121 रुपए के। तो मतलब क्या हुआ कि तुम्हें कोई चीज 100 रुपए की पड़ी और 121 की बेच दी, तो तुम्हें 21 रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो 21 रुपए का प्रॉफिट कितने पर है 100 पर है, तो वैसे तो परसेंट होती है ये, लेकिन इंटू 100 लिख के देख लो एक बार, तो ये तुम्हारा प्रॉफिट हो गया। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई, तो आंसर इज 21%। फटाफट से एक बार सारे बच्चे थम्स अप करिए कि बात क्लियर है, सारे बच्चे थम्स अप करें अगर बात समझ में आ रही है। किसी बच्चे का टेढ़ा सा मुंह बन गया, तो जिस बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। चलिए फिर अगले सवाल की ओर चलिए, 90 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट सवाल करना। भाई साहब तुक्के बाड़ी चल रही, दबा के चल रही तुक्के बाजी। रुको रुको रुको, मैं पोल फिर से लगा दे रहा हूं, अब करो। गीता का आंसर सही, तुमने सोचा कि वो वाला आंसर तो उस पर टेस्ट कर दिया है। पुष्पा वेलकम बेटा, देखिए भाई बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, ठीक है, एग्जाम में आ चुके हैं पहले कई बार, और कभी कभी तो एग्जाम में डेटा भी चेंज नहीं कर रहा है। आज से अनअकैडमी प्लस पर एक बैच स्टार्ट हो गया बेटा, ठीक है, आज से एक बैच स्टार्ट हो गया है, तो केवल गीता का आंसर सही आया, बाकी सारे बच्चों का सवाल नहीं हुआ, ठीक है। देखो जिन बच्चों को पता है अच्छी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता एक बार दिखा देता हूं मैं बस आप लोग को, ये देखो आज से ये वाला बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा, तो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं यूपीएसआई की, ठीक है, यूपीएसआई का बैच है, इसके अंदर मैं आप लोग को मैथ और ज्योग्राफी दोनों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, आप लोग को मैथ और ज्योग्राफी दोनों ही मैं पढ़ाऊंगा। टाइपिंग मिस्टेक है, समझ नहीं आता लैंग्वेज, अच्छा ये गूगल की टाइपिंग है भाई, हमारी कोई मिस्टेक नहीं है, हमारी टाइपिंग पढ़ती तो अंग्रेजी पढ़ना, ठीक है। तो जिन बच्चों को बैच ज्वाइन करना है आप एनरोल कर सकते हैं, और अभी तक अगर आप प्लस पे नहीं है तो आप प्लस पे भी आ सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई देखिएगा इस सवाल को, एक सवाल में आपसे बोला गया है कि आपने एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 9 टॉफी खरीदी, ठीक है, 10 रुपए में 9 टॉफी के रेट पर कुछ टॉफियां खरीदी, तो 10 रुपए की टॉफी खरीदी बेटा, कितनी खरीदी थी 9 टॉफी, कुछ रेट है ये नहीं बोला गया कि 9 टॉफी खरीदी है, ये बोला है कि कुछ टॉफियां खरीदी है, ठीक है, और इतनी ही संख्या में 11 टॉफी 10 रुपए में खरीदी है, 11 टॉफी कितने में खरीदी है 10 रुपए में खरीदी, यानी कि कुछ टॉफी 10 रुपए की 9 मिल रही है और कुछ टॉफी 10 रुपए की 11 मिल रही है, आई ना बात समझ में, सही तो लिखा है, ठीक है। और इस पूरे पैकेट को 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ढूंढना है आपको, आई बात समझ में। तो देखो भाई अब ये पूरा का पूरा पैकेट बनाना है, लेकिन यहाँ पर एक बात क्या बोली है इसने
कि सेम नंबर ऑफ टॉफी, यानी कि जो टॉफी आपने जितनी ये खरीदी है ऊपर वाली, उतनी ही टॉफियां नीचे वाली खरीदी गई है। बात समझ में आ रही है? जितनी टॉफी ऊपर वाली खरीदी गई है उतनी ही टॉफियां नीचे वाली खरीदी गई है। तो मुझे एक बार बताओ सारे बच्चे, क्या करेंगे? नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करेंगे, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई, नीचे 9 से मल्टीप्लाई। सेम काम बेटा यहां पर कर लो, यानी कि ये चीज हो गई। यानी कि हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि 110 रुपए में 99 टॉफी आती है, और ये वाली कितने में आ रही है? ये 90 रुपए में कितनी आ रही है? 99 आ रही है। तो इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा पैकेट 200 रुपए में मिल रहा है, तो 200 रुपए में कितनी टॉफी आ रही है? 198। क्या बात समझ में आ गई? 200 रुपए में कितनी टॉफी आई बेटा? 198। अब इसका मतलब क्या है? सवाल में कह रहा है कि 1 रुपए प्रति टॉफी की दर से बेच दिया, यानी कि 1 रुपए की एक टॉफी। तो बताओ 198 टॉफियां कितने रुपए की हो गई? जल्दी से बोलो भाई, 1 रुपए की एक टॉफी, तो 198 टॉफियां भी कितने रुपए की हो गई? 198 रुपए की ही हो गई। यानी कि आप सारे बच्चों को ये पैकेट कितने का पड़ रहा था? तो आपको पड़ रहा था ये 200 रुपए का, और आपने बेचा कितने का? तो आपने बेचा 198 रुपए का है, तो 2 रुपए का नुकसान हो रहा है। कितने का नुकसान हो गया बेटा? 2 रुपए का। और प्रॉफिट हो या लॉस किस पे निकलता है? हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य पर। तो 2 रुपए का नुकसान है 200 पर, तो 100 पर कितना होगा ये निकालना है। तो 2 से ये 2 खत्म हो जाएंगे जीरो के साथ, आंसर कितना आ जाएगा? 1%। और लॉस हो रहा है, तो ये क्या है? लॉस है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? तो ऑप्शन सी इस सवाल का सही उत्तर है। सारे बच्चे फटाफट से कॉमेंट में आकर बताइए क्या क्लियर हुआ ये क्वेश्चन। देखो पहले मैंने एकदम बेसिक क्वेश्चन कराया था, ठीक है? देखो कितना आसान क्वेश्चन कराया था पहले, ठीक है? उसके बाद हल्का सा मैंने एक लेवल बढ़ाया, उसके बाद मैंने हल्के हल्के लेवल बढ़ाया, ठीक है? तो अगर आप क्लास में स्टार्टिंग से आएंगे तो बिल्कुल बहुत प्यार से मैं लेवल को बढ़ाता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 1 होता है वो हमेशा आसान होता है, और वो बेसिक क्वेश्चन होता है, फिर उसी बेस पर आगे के सवालों को हम करते हुए चलते हैं, ठीक है? तो 8:45 की टाइमिंग पर है, आप सारे बच्चे यहाँ पर रेगुलर बिल्कुल टाइम से आओ, तो काफी कुछ सीखने को आपको मिलने वाला है। चलिए भाई इस सवाल का उत्तर करिएगा, एक बार आप ट्राई करो, टाइम ज्यादा लग गया है पोल में। अब देखो जितना ये सवाल है ये तो बेसिक क्वेश्चन है, और इसके बाद इस टाइप के सवालों का लेवल बढ़ता जाएगा। जैसे कि वो एक टाइप था पूरा, जो भी करवाया मैंने 3 सवाल करवाए तो वो एक ही टाइप के सवाल थे, अब ये अलग टाइप के सवाल आ रहे हैं आपके सामने, ठीक है? अभी क्या जरा कठिन क्वेश्चन हो गए क्या? ये क्वेश्चन तो बड़े आसान आसान से कुछ सवाल होते हैं, ठीक है? देखो अगर ये सवाल भी तुमसे नहीं बन रहे हैं तो एग्जाम में दिक्कत होगी, तो मैं पहले बता दे रहा हूँ। अगर ऐसे क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे हैं तो बहुत पढ़ने की जरूरत है और बहुत सीखने की जरूरत है, ठीक है? अगर आप इन सवालों से आज भागोगे तो एग्जाम में भागना फिर, ठीक है? एक बार आज भाग रहे हो है ना, फिर एग्जाम में भागना, और एग्जाम में भागोगे फिर सोचते हो कि नौकरी मिल जाए, तो नौकरी ऐसे नहीं मिल जाती, पढ़ना पड़ेगा और अच्छे सवाल भी करने पड़ेंगे, ठीक है? प्रॉफिट लॉस का मतलब ये नहीं है कि 500 में खरीदी 600 में बेच दी तो प्रॉफिट कितना हो गया ये बता दो, इस चैप्टर का मतलब ये नहीं है, ठीक है? चलिए अच्छे सवाल भी करने आने चाहिए। सवाल में दे रखा है क्या कि एक व्यक्ति ने कुछ संतरे खरीदे, 11 ऑरेंजेस 1 रुपए में, यानी कि 1 रुपए के 11 संतरे खरीदे, ठीक है? अब वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने संतरों को बेचा जाए, 1 रुपए में कितने संतरों को बेचा जाए कि 10% प्रॉफिट हो। कितना प्रॉफिट हो बेटा? 10% प्रॉफिट हो। तो मुझे एक बात बताओ, अब सवाल में कह रहा है कि आपने 1 रुपए में कितने खरीदे हैं? 11 खरीदे हैं। कितने खरीदे हैं बेटा? 11 खरीदे हैं। अब वो कह रहा है कि 1 रुपए में कितने बेचे, 1 रुपए में कितने बेचे कि 10% का प्रॉफिट हो।
अब यहाँ पर देखो इस सवाल को कैसे करना होता है, यहाँ पर आपको ये देखना होता है कि जितने रुपए तुमने खरीदने में लगाए हैं उतने ही रुपए तुम बेचने में लगा रहे हो, उतने ही रुपए तुम बेचने में लगा रहे हो। एक बात मुझे बताओ कि अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। मतलब अगर आपको किसी भी चीज का मूल्य पता है और आपको ये पता हो कि आपने उसकी कितनी मात्रा खरीदी है तो आपको खर्चा मिल जाएगा। सारे बच्चे ये बताइए कि ये बात समझते हैं, जल्दी से बोलो भाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर यानी कि खर्चा तो बराबर है भाई, एक रुपया ही पहले खर्च हो रहा था और एक रुपया ही बाद में खर्च हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो प्राइस है ना, प्राइस प्राइस में क्या हो रहा है, प्राइस में ही चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि आप बोलोगे कि 10% का प्रॉफिट कमा रहे हो, यानी कि पहले कुछ का लेकर आए होगे, अब कुछ का बेचना चाह रहे हो। तो समझना सारे बच्चे, 10% का मतलब होता है 1/10, यानी कि अगर तुमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है, अगर तुमने कोई चीज 10 रुपए में खरीदी है तो तुम उसे 11 रुपए का बेचना चाहते हो। क्या सारे बच्चों को ये वाली बात समझ में आई कि अगर आपने ओरिजिनल में 10 रुपए खरीदा तो आप उसे कितने में बेचना चाहते हो बेटा, 11 में बेचना चाहते हो। इस बात का मतलब क्या है, ये प्राइस हो गया। अगर एक्सपेंडिचर फिक्स है, अगर खर्चा बराबर है तो मूल्य और मात्रा का अनुपात आपस में पलट जाता है। ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया मैंने, बताओ जल्दी से, कि अगर एक्सपेंडिचर फिक्स हो तो प्राइस और क्वांटिटी आपस में पलट जाती है। अगर बेटा यहाँ पर प्राइस का रेशियो देखोगे तो कितना आ रहा है, 10-11 का आ रहा है, तो मुझे बताओ कि क्वांटिटी यानी कि जो आपकी मात्रा है उसका अनुपात कितना बनेगा, 11:10 का अनुपात बन जाएगा। क्या बात समझ में आई बेटा, जल्दी से बताओ। मैंने बोला कि प्राइस का रेशियो अगर पहले 10 में लेकर आए हो तो अब तुम 11 का बेचना चाहते हो, तो यानी कि प्राइस का रेशियो ओरिजिनल और न्यू कितना बनना है, 10-11 का। तो तुमने जो क्वांटिटी का रेशियो है वो कितना बन के आएगा, वो बन के आएगा 11:10 का। अनुपात पलट जाएगा, कब पलटेगा, जब आपका खर्चा कैसा होगा, बराबर होगा, फिक्स होगा। ठीक है, यानी कि अगर पहले 11 चीजें ला रहे थे तो अब 10 बेचोगे, और सवाल कह रहा है कि 11 ही लेकर आ रहे थे, तो तुम बोलोगे सर कि 11 यूनिट 11 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 1 आ गई। अगर एक की वैल्यू 1 आ गई तो 10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी। यानी कि आप 1 रुपए में अगर 10 बेचते तो आपको 10% का प्रॉफिट हो जाता। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई, जल्दी से बताएं। बोले भाई क्या क्लियर है ये सवाल, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सर प्लीज रिपीट कर दे। देखो बेटा क्या करना है, आपको देखना कितना परसेंट है, 10% है। 10% का मतलब क्या है बेटा, कि आप 1/10 कर रहे हो। कि अगर आपने यहाँ पर बोलोगे क्या कि 10 की तुम्हें कोई चीज पड़ी है तो तुम उस पर 1 का लाभ कमाना चाहते हो, 1 का प्रॉफिट कमाना चाहते हो। ठीक है, तो 10 की पड़ी है और 11 का बेचना चाहते हो और खर्चा तुम्हारा बराबर है भाई, 1 रुपए तुमने खरीदने में लगाया और 1 रुपए की चीजों को बेच रहे हो, तो खर्चा बराबर होगा। तो प्राइस और क्वांटिटी का जो अनुपात होगा वो पलट जाता है, इतना याद रखना। अगर खर्चा बराबर हो तो मूल्य और मात्रा आपस में पलट जाएंगे। मतलब क्या होता है भाई, मूल्य को बढ़ाओगे तो मात्रा कम होगी, मात्रा को बढ़ाओगे तो मूल्य कम हो जाएगा। आई बात समझ में, पहले ये बताओ इतना समझ में आया भी ना, जल्दी से बताओ क्या इतना क्लियर है। ठीक है, अगर इतना समझ में आ गया तो देखो बेटा कि प्राइस का यानी कि 10 की जगह आप 11 यहाँ पर क्या कर रहे हो, रुपए चाह रहे हो। इसका मतलब प्राइस का रेशियो 10-11 का है तो क्वांटिटी का रेशियो पलट जाएगा, 11:10 का हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में कह रहा है कि 11 लेकर आ रहा था, तुमने क्या कहा कि पहले 11 थे उसके पास, तो 11 थे यानी कि 11 की वैल्यू 11 है तो 10 की वैल्यू 10 है, बात खत्म। ये सवाल का उत्तर है। और थोड़ा आप थोड़ा इमेजिन भी करोगे, थोड़ा अगर दिमाग पे जोर डालोगे तो आपको मिलेगा कि अगर किसी के पास 11 संतरे हैं, ठीक है, और अगर वो उस पे 1 बचा ले और 10 बेच दे, समझना बेटा, अगर 11 संतरे हैं और अगर 1 बचा ले 10 बेच दे तो प्रॉफिट कितना आ रहा है, 10% ही तो आ रहा है। देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये भी तरीका है, बात समझ में आई। ठीक है, ऐसे भी कर लो भाई, 11 संतरे हैं, 1 बचा लो तो 10 बेचोगे, तो यानी कि 1 का प्रॉफिट 10 पे क्या हो गया, 10%। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल लेते हैं। बताइए
सेम सवाल दिया है, ठीक है। प्रीति, निधि, मीनू, गीता, प्रिंस, पूजा, स्वाति, बढ़िया बेटा, सारे बच्चों ने किया है। खाता खुल गया, देखे भाई जिन बच्चों से नहीं हुआ सवाल, टेंशन वाली कोई बात नहीं, आप सवाल को समझिए और आराम से सीखिए फिर से, ठीक है। फिर समझा रहा हूं मैं पूरी बात को, समझना बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर एस एम ने भी कर लिया सवाल, ठीक है। एक बार दिखा देते हैं टॉप 10 लर्नर्स हमारे सामने। देखो भाई, अब इस सवाल की अगर हम बात करें तो सवाल में कह रहा है कि एक बंदा है, उसने कुछ संतरे खरीदे, 25 ऑरेंजेस 1 रुपए में खरीदे, 25 संतरे 1 रुपए में खरीदे, तो वो 1 रुपए में कितने बेचे कि 25% प्रॉफिट हो जाए। कितना प्रॉफिट है बेटा इस बार, 25% कितना होता है 1/4, यानी कि अगर हम बात करें कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की, तो 4 की पड़ी होगी और 1 का प्रॉफिट कमाया होगा, तो कितने का बेचा होगा, 5 का बेचा होगा। तो अगर ये प्राइस है तो मुझे बताओ कि क्वांटिटी यानी कि मात्रा का अनुपात क्या होगा, 5:4 हो जाएगा। क्या सारे बच्चों को ये चीज समझ में आई कि क्वांटिटी का रेशो कितना होगा, 5:4, क्योंकि 1 रुपए में ही तुम लेकर आ रहे हो और 1 रुपए में ही बेच रहे हो, यानी कि जो एक्सपेंडिचर है वो तुम्हारा फिक्स है, जो खर्चा है बेटा वो तुम्हारा फिक्स आ रहा है। यानी कि अब तुम पहले अगर तुम्हारे पास 5 थे तो तुम्हें अब 4 देने हैं, पर पहले तुम्हारे पास 25 थे तो तुम बोलोगे सर 5 की वैल्यू 25 है। अगर 5 की वैल्यू 25 है तो 1 की वैल्यू 5 है, अगर 1 की वैल्यू 5 है तो बेटा बताओ सारे बच्चे कि 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 5 यानी कि 20, और यही सवाल का सही उत्तर है। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को, एक बार फटाफट से मुझे बताइए थम्स अप करके कि हाँ बात क्लियर है। चलो अगला सवाल ले लेते हैं। बताओ भाई जल्दी से। देखो एक ही टाइप के मैं बहुत सारे सवाल करवा रहा हूँ जिससे कि आप सीखे चीजों को, ठीक है। नेटवर्क इशू आ रहा है और काफी बच्चों के में नेटवर्क इशू आ रहा है मुझे लग रहा है। योगिता वेलकम, गुड इवनिंग। क्वेश्चन नहीं आता, बोल पहले ही आ जाता है, आंसर भी गलत लगा दिया। अरे ये तो नहीं होना चाहिए था। देखते हैं भाई ये अभी तक के टॉप 10 लर्नर्स। देखिए भाई, अब यहाँ पर आपसे कह रहा है, देखो भाई, इस सवाल में आपसे क्या बोल रहा है बेटा, तो इस सवाल में आपसे बोला गया है कि भाई 12 संतरे बेचे गए, ठीक है, तो 20 रुपए का लॉस हुआ,
है ना भाई, अगर 12 संतरे बेचे जा रहे हैं तो लॉस कितने का हो रहा है बेटा, 20 रुपए का हो रहा है। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब सवाल में पूछ क्या रहा है, तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि आप ये बताओ बेटा कि अगर मुझे कितना कमाना है, 20% प्रॉफिट कमाना है, कितना प्रॉफिट कमाना है बच्चों, 20% प्रॉफिट कमाना है, तो मुझे कितने संतरे बेचने चाहिए, कितने संतरे बेचने चाहिए। ठीक है, ये सवाल है। अब देखो भाई इस सवाल में क्या दिक्कत है कि अलग अलग चीजें दे रखी हैं, है ना, लेकिन यहाँ पर एक बात ये समझ लो, इसको कैसे करना जरा समझना। देखो 20% का लॉस है, आप सारे मुझे बचाओ, बच्चे बताना बेटा कि अगर मुझे 20% का लॉस होगा तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मैंने 100 रुपए की चीज 80 में बेची होगी? जल्दी से बताओ, अगर मुझे 20% का लॉस हो रहा है बेटा तो क्या हम ये कह सकते हैं, राकेश वेलकम, कि मैंने 100 वाली चीज कितने में बेची है, 80% पर बेची है। अविनाश वेलकम। उसके बाद मुझे ये बताओ कि अगर मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है, अगर मुझे 20% प्रॉफिट कमाना है तो मैं 100 वाली चीज को 120 में बेचना चाह रहा हूँ, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मुझे, है ना, 20% प्रॉफिट कमाना है तो इसका मतलब क्या है कि मैं 100 वाली चीज को 120 में बेचना चाहता हूँ। देखो जितने बच्चे अभी जुड़े हैं सारे बच्चे समझना बेटा कि मैंने क्या बोला है, एक सवाल दे रखा है, सवाल में कह रहा है कि आपने अगर 1 रुपए में 12 संतरे बेचे, अगर आपने 1 रुपए में 12 संतरे बेचे तो 20% का लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है बच्चों? 20% का लॉस हो रहा है। लेकिन अगर आपने, ये बताओ कि 1 रुपए में कितने बेचे, 1 रुपए में कितने बेचे कि आपको 20% का प्रॉफिट हो जाए, आपको क्या हो जाए बेटा, 20% का प्रॉफिट हो जाए। तो देखो कैसे करा मैंने सवाल, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर 20% का लॉस होता है तो इस बात का मतलब क्या है कि अगर आपने कोई चीज 100 की खरीदी तो 80 में बेची है, अगर आपने कोई चीज 100 की खरीदी तो कितने में बेची है बेटा, 80 में बेची है, और अगर आपने 20% प्रॉफिट कमाना है तो इसका मतलब क्या है कि आपने कोई चीज अगर 100 की खरीदी है तो 120 की बेची है। ये बात समझ में आ गई? यानी खरीदने में तुमने ये लगाया और बेचनी तुमने इतने पे है, यानी कि ये तुम्हारा रेशो किसका आ गया, तो कहोगे सर ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यानी कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आ गया। क्या सारे बच्चों को इतनी बात क्लियर है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनकर आ रहा है? ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि प्राइस का रेशो बन रहा है ना, प्राइस का, तो ये प्राइस का रेशो कितना बनकर आएगा, तो आप कहोगे सर ये बनकर आ गया 2:3, 40 से काट लोगे तो कट जाएगा 2:3 पे कट जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने पढ़ाया कि अगर प्राइस का रेशियो 2:3 है तो मुझे बताओ सारे बच्चे कि क्वांटिटी का रेशियो क्या बनेगा, मात्रा का अनुपात क्या बनेगा, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर मात्रा का अनुपात बनेगा 3:2, अनुपात पलट जाता है। अभी सिखाया था ना मैंने कि अगर क्वांटिटी का रेशियो आपको निकालना होगा, जितना भी रेशियो प्राइस का हो, जो भी अनुपात बेटा प्राइस का बने उस अनुपात को पलट दो तो मात्रा यानी क्वांटिटी का अनुपात मिल जाएगा। यहां से आप बोलोगे कि पहले इसके पास 12 थे, यानी कि पहले इसके पास 3 थे, तो 3 यूनिट 12 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही, 4। अगर 1 की वैल्यू 4 आ रही है तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, 8। और यही सवाल का उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। क्या सारे बच्चों को समझ में आया भाई? देखो ये सवाल हल्के हल्के, मैंने कहा ना कि मैं लेवल को बहुत आराम से बढ़ाता हूं, लेकिन इसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि आपको क्लास की स्टार्टिंग से आना पड़ेगा सारे बच्चों को। ठीक है, अभी लेवल थोड़ा सा बढ़ चुका है लेकिन क्लास एकदम बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करी है मैंने। देखो अभी सारे सवाल कितने बेसिक क्वेश्चन करवाए मैंने, और ये सारे सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कैसे है बेटा, ये सारे के सारे एग्जाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिखा है, PYQ की फुल फॉर्म होती है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सारे बच्चे 8:45 पर टाइम से आया करो तो आपको एकदम बेसिक से क्वेश्चन मिलेंगे। मोनिका चल तो रहे प्लस पे कोर्स, अरे प्लस पे कोर्स चल रहा है शाम को 5:15 बजे। ठीक है, ये सवाल हमने करा सारे बेसिक क्वेश्चंस थे और अब ये हो गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का बेटा एक कोर्स चल रहा है, शायद आप क्लास में नहीं आए काफी दिनों से, इसलिए पता नहीं चल पाया आपको। ऑक्सीजन वेलकम बिल्ड। देखो भाई ये सवाल वैसे बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं बड़ा आसान तरीका है। ठीक है, ठीक है, अब बहुत इजी लग रहा होगा आप लोग को ये। ठीक है, देखो पढ़ना पड़ेगा आपको, लगातार सेशन में बने रहना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल ठीक मोनिका,
ठीक है, जब तक आप सेशन में पेशेंस नहीं रखोगे, जब तक किसी भी बच्चे के अंदर धैर्य नहीं है, तो वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे पहले सीखिए कि पेशेंस कैसे रखते हैं। क्लास में आओ तो कम से कम आधा घंटा 15 मिनट रुकोगे तभी समझ में आएगा क्लास में चल क्या रहा है। अब बच्चे सोचते हैं क्लास में घुसे और घुसते ही उनको सब कुछ समझ में आने लग जाए, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लास की रिदम को मैच करना पड़ेगा ना आपको भी, ठीक है भाई। तो ये देखिए भाई, अभी तक के टॉप 10 लर्नर्स आपके सामने, ठीक है, सबसे ऊपर है प्रीति, उसके बाद गीता, फिर प्रिंस, ये टॉप 3 पर है। कांग्रेचुलेशंस, और बाकी सारे बच्चों को भी बधाइयां, और सारे बच्चे मेहनत करें और टॉप 10 में आते रहिए, ठीक है। चलो भाई, अब सवाल में कह रहा है कि आपने 32 संतरे बेचे 1 रुपए में, 32 संतरे बेचे बच्चों 1 रुपए में, तो आपको 40% का नुकसान हुआ। 40% के नुकसान का मतलब क्या है कि 100 पर 40 का घाटा, तो तुम्हें कोई चीज कितने की जा रही है, तो तुमको 60 की जा रही है सर। कितने की जा रही है बच्चों? 60 की। अब वो कह रहा है कि तुमको प्रॉफिट कमाना है 20%, कितना प्रॉफिट कमाना है 20%। इसका मतलब क्या है कि तुम 100 पर 20 कमाना चाहते हो, तो कितना बेचना चाह रहे हो? 120 का। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है? ठीक है, यानी कि मैं आपसे बोलूंगा कि ये भाई पहले वाला था और ये मुझे अब चाहिए है, ये मेरी अब इच्छा है, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा कि प्राइस का ओरिजिनल और न्यू का रेशो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये कट जाएगा 2 बार, यानी कि 1:2 का अनुपात है। अगर ये अनुपात 1:2 का है तो क्वांटिटी का रेशो क्या बनेगा, यानी कि मात्रा का रेशो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 2:1। क्या बेटा बात समझ में आई? 2:1। तो अब हम यहाँ से क्या बोलेंगे, अब हम यहाँ से बोलेंगे कि अगर हमारे पास पहले 2 थे, और सवाल में कह रहा है पहले कितने थे, 32 थे, तो 2 की वैल्यू कितनी है 32, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 16। और ये सवाल का उत्तर, क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई? फटाफट से मुझे बताएं क्या इतनी चीज क्लियर हो रही है भाई? थम्स अप कर दीजिए एक बार, बात समझ में अगर आ रही है तो। देखो ये एक टाइप है पूरा, ठीक है, आज मैंने आपको 2 टाइप सिखाए अभी तक, अभी और भी सिखाऊंगा आप लोग को, ठीक है। देखो एक टाइप तो ये वाला था जहां पर आर्टिकल्स बराबर करने थे, ठीक है। एक टाइप कौन सा था? जहां पर मुझे वस्तुओं की संख्या को बराबर करना था। उसके बाद आप लोग को मैंने क्या सिखाया, जहां पर ये वाले क्वेश्चन होते हैं कि कितने में कितना बेचे तो हमें कितना प्रॉफिट हो जाए, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन करा रहा हूं। और अभी एक और सवाल इसमें का, अरे यार इसका सही आंसर मार्क करना भूल गया हूं मैं। चलो आप लोग ऐसे ही बोल करिएगा, देखते हैं मैक्सिमम बच्चे किस तरफ गिर रहे हैं। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपको लगेगी, क्या लगेगी बेटा, कि इस बार 1 रुपए नहीं बोला गया, इस बार 40 रुपए में खरीदा और 24 रुपए में बेचा, ये कह रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझाते हैं अभी इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है। बड़े अच्छे सवाल है ये और बड़े पुराने भी है, लेकिन आते लगातार हैं एग्जाम में, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली बैक टू बैक पूछे गए सवाल ये वाले। मैक्सिमम बच्चे ऑप्शन नंबर बी की तरफ गए। चलिए अब देखो भाई, बी सही है, चलो बी सही है, देखते हैं। सवाल में कह रहा है कि आपने 45 संतरे 40 के खरीदे, तब 20 का नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ 20 का, यानी कि 80% का हो गया भाई काम यहाँ पर, और कमाना कितना है 20%, यानी कि 120। सबसे पहले क्या करोगे, इसका अनुपात बना लो, तो आप कहोगे सर अनुपात बनेगा 2:3 का, ये अनुपात किसका हो गया भाई, प्राइस का, ठीक है। तो मुझे बताओ क्वांटिटी का रेशियो क्या बनेगा, तो आप कहोगे सर क्वांटिटी का रेशियो बनेगा 3:2, कितना बनेगा बेटा 3:2। अब अगर उसके पास पहले 45 थे तो यहाँ पर कितना रहे कि पहले 3 थे, तो 3 कितने के बराबर है 45 के बराबर है, तो 3 45 के बराबर है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 15। अगर 1 की वैल्यू 15 है तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 30 आ गई, 2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 30 आ गई। तो इस बात का मतलब क्या हुआ बेटा, सारे बच्चे समझना, यानी कि आपने 45 संतरे 40 में खरीदे थे, यानी कि आपने जो 30 संतरे बेचे हैं ये 40 के ही बेचे होंगे, कितने के बेचे होंगे भाई 40 के,
यानी कि 40 रुपए के कितने बेचे हैं बेटा, 30 संतरे बेचे हैं, है ना, 30 ऑरेंजेस। और आपको निकालना क्या है कि 24 रुपए में कितना बेचोगे। अगर 40 रुपए में 30 बेचे हैं तो बताओ भाई 1 रुपए में कितने बेचे हैं, तो कहोगे सर 30 बटे 40, तो 24 का निकालना है तो 24 की मल्टीप्लाई करा दोनों तरफ। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई है वाली, ठीक है, कि 24 रुपए का निकालना है तो बाद में निकाल लेंगे, स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं करेंगे हम। तो 6 चौक 24, 6 दिया 18, और ये सवाल का सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या बात समझ में आई सारे बच्चों को, जल्दी से बताओ भी कमेंट में आकर कि क्या इतना क्लियर है, जल्दी से बोलो भाई। बताइए भाई, सर अगर इसमें पहले ही 45 संतरे 40 रुपीज के 24 70, अरे क्यों करोगे फालतू में यार, क्यों करोगे, ये आसान तरीका बता तो रहा हूं एकदम, कुछ नहीं करना, बस इसको बाद में निकाल लो, क्योंकि स्टार्टिंग में हाँ इक्वल करके कर सकते हो वैसे भी सॉल्व, लेकिन आप एक बार सोचो कुछ नहीं करना, इतना प्रोसेस सेम है पहले की तरह, यहाँ तक तो पहले की तरह ही हो रहा है, ठीक है। बाद में बस ये चीज है कि इस बार तुमने जो 30 संतरे निकाले हैं, ये निकाले कि तुमने 40 रुपए में बेचे हैं, क्योंकि 40 पे बात चल रही है, तो 30 संतरे तुमने कितने में बेचे, 40 में बेचे। तुमसे पूछ रहा है कि भाई 24 में कितने बेचोगे, तो एक बेचोगे 30 बटे 40 का, तो 24 बेचोगे कितने के, 3 बटे 4 के, बात खत्म हो जाएगी। क्या बात समझ में आ रही है भाई, क्लियर है, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये, हाँ ये भी सही है, आसान तरीका है। देखो ये एक अगला तरीका है, ठीक है, और एक अगला टाइप है ये, तो सारे बच्चे बताइएगा कि इस सवाल का उत्तर क्या आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए भाई कितने बच्चे करते हैं इसको, मैंने आपको 90 सेकंड दिए, सारे बच्चे ट्राई करिए इसको, फिर सिखाते हैं आपको। अरिबा गीता निधि, हाँ बिना क्लास रोज होती है ये वाली, ठीक है, ये क्लास रोज होती है, इसके बाद 10 बजे क्लास है वो भी रोज होती है, वो आधे घंटे की क्लास है केवल, वहां पर मैप सिखा रहा हूँ, वर्ल्ड मैप लिखा हुआ दिख रहा होगा आप लोग को कि डेली फ्री क्लासेस है आपकी, ठीक है। चलिए भाई, तो राकेश ने भी सही किया सवाल को, और ये अभी तक के टॉप 10 लर्नर्स आपके सामने, तो देखिए भाई कैसे करेंगे सवाल को, ठीक है। देखना बेटा सवाल में कह रहा है कि एक बंदा है भाई, उसने कुछ आर्टिकल खरीदे हैं कितने के, 5400 रुपए के। अब उसमें से उसने 2/3 को बेच दिया 5% प्रॉफिट पर, कितने प्रॉफिट पर बेटा, 5% प्रॉफिट पर। तो सवाल में वो पूछ रहा है कि बाकी को वो कितने पर बेचे, बाकी को वो कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि टोटल प्रॉफिट 13% हो जाए, कि टोटल प्रॉफिट कितना हो जाए बच्चों, 13% हो जाए। देखो आप चाहो तो भैया इस सवाल को प्रॉपर तरीके से कर लो, शुभम वेलकम, कि भाई 5400 का इस्तेमाल करो, है ना, तो ये सब नहीं करना। शुभम क्या हो गया, लेट कहाँ हो गया आज बेटा। देखो जब भी आपसे सवाल में परसेंट पूछी जाए तो कोशिश करिए कि इन सब वैल्यू का यूज नहीं करना, तो 5400 का इस सवाल में कोई रोल नहीं है, कोई यूज नहीं है, सवाल ऐसे ही खत्म हो जाएगा। देखना कैसे, सवाल में कह रहा है कि 2/3 वस्तुओं को 5% पर बेचा। अगर 2/3 को 5 पर बेचा, इसका मतलब क्या है कि टोटल 3 वस्तुएं होंगी और 3 में से 2 को तुमने कितने पर बेचा बेटा, 5% प्रॉफिट पर। अगर मैं 2 को 5% पर बेचूंगा तो मुझे प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल 10% हो जाएगा। सारे बच्चे बताइए वाली बात समझ में आई। मैंने बोला कि अगर मैं हर एक वस्तु को 5% पर मान लो बेच रहा था, अगर हर वस्तु को मैं 5% पर बेचता तो 2 को कितने पर बेचता, टोटल 10% प्रॉफिट पर बेचता। उसके बाद अब वो कह रहा है कि बाकी को अगर 3 में से 2 बेच दी तो बची कितनी, 1 वस्तु बची, तो कह रहा है कि वो इसको कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे ये निकालना है।
और वो कह रहा है कि ओवरऑल, ओवरऑल का मतलब क्या है कि पूरे के पूरे आर्टिकल्स पर, यानी कि तीन के तीन आर्टिकल पर कितना प्रॉफिट हो जाए, 13% का प्रॉफिट हो जाए। कितना प्रॉफिट हो जाए बच्चों, 13, यानी कि हर आर्टिकल पर एक तरीके से कितना बनकर आ रहा है, 29% का प्रॉफिट हर आर्टिकल पर बनकर आ रहा है। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई, क्लियर है? अब आप मुझे एक बात बताओ कि ऐसा मैं इसमें 10 में ऐसा क्या जोड़ूं कि 29 बन जाए, जल्दी से बताओ। सॉरी 39, 13 दिया 39, ठीक है ठीक है ठीक है। अब मुझे बताओ भाई 10 में मैं ऐसा क्या जोड़ूं कि भाई यहां पर नीचे 39 बन जाए, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे सर 29 जोड़ दो। कितना जोड़ दो बच्चों, 29 जोड़ दो। अगर मैं यहां पर 29 जोड़ूंगा तो नीचे 39 बन जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। तो 29 है कितने पर है, एक आर्टिकल पर है, तो यहां पर भी क्या आएगा भाई, कितने की गुणा कराए। आप ऐसे सोचा करो कि यहां पर कितने की मल्टीप्लाई कराए कि यहां पर 29 बन जाए, तो आप कहेंगे सर यहां पर भी आप 29 की मल्टीप्लाई करा दीजिए। कितने की मल्टीप्लाई करा दे बेटा, 29 की मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो यही सवाल का उत्तर है, दैट्स 29%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सर प्लीज रिफ्रेश कर लीजिए, मैंने कर लिया 10, ठीक है मैं रिफ्रेश कर लेता हूं एक बार मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, अगर बाकी बच्चों को दिक्कत हो रही है तो मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। या अब सही है भाई, मेरा क्वेश्चन ही नहीं बदला था, स्लाइड चेंज ना हुई। अरे अभी सही चल रहा है, देखो एक बार सारे बच्चे बताओ क्या वॉइस और वीडियो सही चल रही है, फटाफट से बताइए क्या वॉइस और वीडियो सही चल रही है। सारे बच्चे कमेंट करके बताइए कि यस, अगर यस तो वाई, नहीं तो एन, जल्दी से बताओ। ठीक है भाई चलो, ठीक है चलो, अब मैंने रिफ्रेश कर लिया, शायद बेहतर हो पहले से, ठीक चलिए। देखो भाई इस सवाल को मैं एक बार फिर समझा दे रहा हूँ, जिन बच्चों को नहीं समझ में आया या फिर कुछ दिक्कत हुई है रिफ्रेश वगैरह करने में। देखिएगा आपसे कह रहा है कि 2/3 आर्टिकल्स को, 2/3 आर्टिकल को कितने पर बेचा बेटा, 5% पर। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि 5% पर हर आर्टिकल मान लो बेचा है, ठीक है, दो को बेचा है तो 5 × 2 टोटल कितना आ गया, 10 आ गया। टोटल कितना आ गया बच्चों, 10 आ गया, ठीक है। अब अगली बात, सवाल में कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बाकी वस्तुओं को कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे कि उसको टोटल 13% का लाभ मिले। कितना लाभ मिले बेटा, 13% का। तो टोटल वस्तुएं कितनी है, 3 है, तो 2 तो पहले ही बेच दी थी 5% पे, तो 1 को और बेचना है, ठीक है। और टोटल 3 वस्तुओं पर 13% है, अगर बेटा 3 वस्तुओं पर 13% है तो टोटल कितना बन रहा है, 39 बन रहा है। सारे बच्चे बताएं क्या बात समझ में आई, तो टोटल कितना बन रहा है बेटा, 39 बन रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर मुझे 39 बनाना है, ये जगह खाली थी, तो मैं ये पूछ रहा था कि 10 में ऐसा क्या जोड़ू, 10 में ऐसा क्या ऐड करूं कि नीचे 39 बन जाए। तो आपने बोला कि सर 29 ऐड कर दो, कितना ऐड कर दो, 29। अब आप मुझे बताओ कि यहां पर मुझे वैल्यू भरनी थी, तो यहां पर मैं ऐसी कौन सी वैल्यू भरता जो यहां पर 1 से मल्टीप्लाई होके 29 मिलता, तो आप कहते सर 29% मिलता। कितना मिलता, 29 मिलता। तो यही सवाल का उत्तर बन जाएगा, दैट्स इट। आई बात समझ में सारे बच्चों को, एक बार थम्स अप करिए भाई, क्या चीज क्लियर हो रही है वाली, ठीक है। ये तरीका होता है नेट डेविएशन का, इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेट डेविएशन। एवरेज के कई सारे सवाल इससे हो जाते हैं, नेट डेविएशन से। मैंने स्लाइड चेंज करी है, क्या सारे बच्चों के में स्लाइड चेंज हुई है, ठीक है चलो। तो इस सवाल को ट्राई करिए और बताइए कि आंसर क्या आएगा। बताओ भाई फटाफट आंसर मार्क करो, 45 सेकंड दिए कि 15 सेकंड पहले दे चुका था।
प्रिंस प्रीति और निधि ने कर दिया इस सवाल को। परिभा का भी आ गया, पोल दिया है मोनिका मैंने, पोल चल रहा है, बच्चे आंसर कर भी रहे हैं। अब तो बेटा आप ही के इंटरनेट पे इशू है क्योंकि बाकी सारे बच्चों ने आंसर किया है सवाल को। ठीक है भाई, तो देखें भाई कैसे करना है सवाल को। मैंने बोला कि ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी इस वैल्यू का यूज ही नहीं करना, ये 18,000 ओ हाँ 18,900 रुपए बिल्कुल बेकार है, ठीक है, कुछ नहीं यूज करना। कैसे करना है सवाल जरा देखना। सवाल में कह रहा है कि 3/8 वस्तुओं को कितने पर बेचा, 12% पर, मतलब कुल वस्तुएं 8 होंगी तो 8 में से 3 वस्तुओं को, 8 में से 3 वस्तुओं को 12% पर बेचा, तो नेट डेविएशन निकाल लेते हैं कितना आएगा यहाँ पर, 36% का प्रॉफिट है तो प्लस लगा दिया। ठीक, अब अगली बात, सवाल में कह रहा है कि रिमेनिंग को कितने पर बेचे, तो 8 में से 3 बेच दी तो बेचनी कितनी है और 5 और बेचनी है, तो वो कह रहा है कितने पर बेचे कि तुमको टोटल 4% का प्रॉफिट मिले। कितना प्रॉफिट मिले बेटा, 4% का प्रॉफिट मिले, यानी कि 8 वस्तुओं पर 4% लाभ, तो नेट डेविएशन निकालो कितना आएगा, 8 × 32% आ गया, कितना आ गया बेटा 32% आ गया। इतनी बात समझ में आ गई। अब मुझे सारे बच्चे बताओ कि मैं 36 में ऐसा क्या माइनस करूं, भाई माइनस ही करना पड़ेगा, तो 36 में ऐसा क्या माइनस करूं कि 32 बन जाए, जल्दी से बताओ भाई। 4 करेंगे, तो आपने बोला कि सर इस बार आप 4% यहां पर माइनस करोगे तभी काम बनेगा, मैंने कहा ठीक है। अब मुझे सारे बच्चे बताओ कि यहां पर मैं किसकी मल्टीप्लाई करूं कि ये 4 मिल जाए, तो आप कहोगे सर अगर आप यहां पर 4/5 की मल्टीप्लाई कर दो, कितने की मल्टीप्लाई कर दो, 4/5 की मल्टीप्लाई कर दो, भाई ऐसा करने पर ही तो होगा, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4/5% की, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर 4/5 की मल्टीप्लाई कर दी तो इस वाले 5 से ये वाला 5 खत्म हो गया और 4% मिल जाएगा, यानी कि 4/5% प्रॉफिट कमाना है मुझे बाकी की 5 वस्तुओं पर, तो यानी कि 4/5 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही उत्तर बनेगा। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई भाई, जल्दी से बताइए, क्या सबको क्लियर हो रहा है ये? चलो बताइए भाई, देखो आज क्लास में बच्चे कुछ ज्यादा ही कम है, इतने कम बच्चे भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, तो आप सबसे पहले सारे लोग अपने दोस्तों को इनवाइट करा करिए, अपने दोस्तों को बोला करिए, अगर आपको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है तो यहाँ पर स्ट्रेंथ भी वैसे ही बढ़नी चाहिए जैसे आपके लिए मेहनत मैं कर रहा हूँ, तो आपको भी थोड़ा बहुत यहाँ पर काम करना होगा अपने टीचर के लिए, अपने एजुकेटर्स के लिए, ठीक है। तो सारे बच्चे अपने जितने भी आपके दोस्त होंगे अपने ग्रुप्स में जो तैयारी करते होंगे आप उन ग्रुप्स में लिंक शेयर कर सकते हो, ठीक है। एक लिंक आपको दिख रहा होगा, ये अभी एक क्लास का लिंक है जो अभी होने वाली है, कितने बजे, 10 बजे होने वाली है। निक्की बेटा वेलकम, कितना लेट आई हो निक्की, ठीक है, 9:45 की टाइमिंग है और सोचो 9:45 होने वाला है, लगभग क्लास खत्म होने वाली है, ठीक है। तो सारे बच्चे जो क्लासेस में आते हैं रेगुलर आइए भाई, टाइम पर आइए, इतने कम बच्चे होंगे तो फिर पढ़ाने में मजा नहीं आएगा, और ऐसी जो क्लासेस आपको फ्री में मिल रही है इनमें फिर आपको दिक्कत आने लग जाएगी क्योंकि टीचर भाई पढ़ाने का मन करेगा भाई जब बच्चा अच्छे से आए, है ना। तो ये सारी बातें आप लोग समझिए कि कम से कम अपने 2-2, 3-3 दोस्तों को इनवाइट कर दिया करो जो क्लास में आ सके, ठीक है। अभी इस क्लास के 15 मिनट के बाद ही क्लास है, तो आप लिंक कॉपी कर लेना और इसको शेयर कर देना, ठीक है। आप इस लिंक पर टच करेंगे, ठीक है, तो ये लिंक आपको मिल जाएगा। तो पुष्पा, अरीबा और निक्की ने आते ही सवाल कर दिया, क्या बात है, तो सबसे तेज इन बच्चों ने सवाल किया, ठीक है भाई। चलिए भाई, और ये अभी तक के टॉप 10 लर्नर्स देखते हैं भाई। अब देखो इस सवाल को कैसे करना है, सवाल में कह रहा है कि 1/3 ऑफ द कंसाइनमेंट, कंसाइनमेंट क्या होता है बेटा, पूरा का पूरा मतलब एक समझ लो कि एक बहुत बड़ी लॉट होती है, बहुत बड़ा जो बोलते हैं ना, बहुत सारे बल्क में आइटम आते हैं उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट, तो उसको 1/3 को, किसको बेटा, 1/3 हिस्से को किस पर बेचा गया है, 12% पर बेचा गया, तो इसका मतलब क्या है कि 3 में से 1 को कितने पर बेचा गया बच्चों, 12% पर, तो टोटल कितना आ गया, 12% आ गया, ठीक है, ये सिखाया मैंने अभी। उसके बाद कह रहा है कि बाकी को
2% के लॉस पर बेचा गया, यानी कि 3 में से 1 बेचा तो बचा कितना, 2 बचा, तो 2 को बेचा गया बेटा 2% के लॉस पर, यानी कि माइनस लगा लो तो कितना आ जाएगा बेटा, माइनस का 4%। यहां निकाल लो नेट डेविएशन कितना आ रहा है, 8% आ रहा है, कितना आ रहा है बेटा 8%, लेकिन 8% कितने आर्टिकल पर आ रहा है, 3 आर्टिकल पर आ रहा है, कितने पर आ रहा है बच्चों, 3 आर्टिकल पर, यानी कि यहां तुम क्या भरोगे 8/3। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई है वाली कि वैल्यू मैंने कैसे भरी, ठीक है। तो मैं बोलूंगा कि यानी कि मुझे पूरे कंसाइनमेंट पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8/3% का प्रॉफिट हो रहा है पूरे पर। तो सवाल में कह रहा है कि पूरे पर 1200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो 8/3% 1200 रुपए के बराबर है। तो आप बताइए यहां से एक की वैल्यू निकाल लो, 15/8 होता है 120, यानी कि 1% बराबर कितना आ गया बेटा, आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 150 × 3 यानी कि 450। तो आप बताइए 100% की वैल्यू क्या बनेगी, तो आपके सामने आंसर आ गया बेटा 45,000 रुपए, और ये सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या सारे बच्चों को बात समझ में आई, जल्दी से बताएं, क्या सबको क्लियर हुआ एक बात, हम सब करिए सारे बच्चे जल्दी जल्दी बताओ क्या बात समझ में आ रही है। चलिए ठीक है भाई, सारे बच्चे 10 बजे वाले क्लास में लेट मत होना, वहां पर टाइम से आना। अब देखो जो बच्चे इस फ्री क्लास को देख रहे हैं तो उन्हीं बच्चों के लिए एक मौका है कि आप चाहें तो अभी, तो जैसे कि मैंने प्रॉफिट लॉस पढ़ा दिया है ना, अभी अगर आप चाहते हो कि सर प्रॉफिट लॉस का बेसिक चैप्टर कौन सा होता है, परसेंटेज होता है, कौन सा होता है बेटा परसेंटेज होता है, तो पहले सर वो पढ़ना चाहिए था हमें, ठीक है, तभी प्रॉफिट लॉस हमको और समझ में आता अच्छे से, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से कि आप पहले बेसिक पढ़ो, फिर थोड़ा आप लो लेवल के क्वेश्चन पढ़ो, फिर थोड़ा मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पढ़ो, और फिर हल्के हल्के ऐसे क्वेश्चन पढ़ो जो पेपर में आते हैं, यानी कि ऐसे टाइप के क्वेश्चन, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से बनेगी और अच्छी तरीके से बढ़िया तरीके से चलेगी, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आप मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर लेना, ठीक है। आप इस कैटेगरी में देखेंगे और इस नाम को सर्च करेंगे तो आपको प्रोफाइल मिल जाएगी, ठीक है। तो आप देखो ये मेरे प्लस कोर्सेज है, अगर आप देखोगे यहाँ पर ये प्लस कोर्सेज है, आप यहाँ पर देखो बेटा कि एक कोर्स चल रहा है बेटा मैथ्स का रेशियो एंड प्रोपोर्शन, जो बच्चे पूछ रहे थे कि मैथ का प्लस कोर्स कौन सा है, तो आप देखो क्रैश कोर्स ऑन रेशियो प्रोपोर्शन, तो आप यहाँ पे देखो 7 लेसन इसमें हो चुके हैं और अप्रैल 9 को मतलब आगे आने वाले टाइम में लेक्चर जो अपना है कल, ठीक है। उसके बाद देखो भाई ये कंप्लीट कोर्स ऑफ मैथ, अब ये देखो 12 अप्रैल से एक और आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है मैथ का, सारे बच्चे समझना, जिन बच्चों को मैथ स्टार्टिंग से पढ़नी है, बच्चे यहाँ पर जैसे कि मान लो कि पैट की तैयारी कर रहे हो, यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, ऐसा कोई भी एग्जाम जो आपका मैथ पूछता होगा, तो आप एक बात सारे बच्चे समझना कि आपके लिए कोर्स है पूरा का पूरा, ठीक है। ये पूरा का पूरा बैच है, यूपीएसआई का बैच आज से ही स्टार्ट हुआ है, नया बैच, ठीक है। और उस बैच में मैं मैथ पढ़ाने वाला हूँ, ये वाला कोर्स उसी बैच का है, ठीक है। उसके बाद 21 अप्रैल से मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, यानी कि मैथ और ज्योग्राफी आपके पास मौका है कि आप स्टार्टिंग से बेसिक से एक बार फिर से पढ़ सकते हैं, अगर आपका अभी तक छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरीके से आप ऑफलाइन कोचिंग पढ़ते हो ना, उससे भी बेहतरीन तरीके से, आप उससे भी एडवांस तरीके से और अपडेटेड नॉलेज के साथ यूपीपीएससी एंड यूपीएससी के प्लस कोर्सेज में पढ़ सकते हैं। आई ना बात समझ में, देखो इंडिया की सबसे बड़ी प्लेटफॉर्म पे पढ़ने का मौका है, तो एक बार पढ़ लो, शायद जिंदगी में और चीजें अच्छी हो जाए। देखो भाई अगर आप प्लस पे पढ़ते हो तो घर बैठ के क्लास पढ़नी है, ठीक है, यानी कि आपका काम बहुत आराम से होता रहेगा, किसी भी टाइम क्लास पढ़ो। सोचो इतने बजे कभी तुम कोचिंग जाओगे, कभी कोचिंग नहीं जाओगे, कुछ बच्चे दिन में बिजी रहते हैं, तो काफी क्लास आपकी रात में होती, रात में पढ़ लो, पूरे सिलेबस की एक्सेस है। मान लो कि आपका पेपर पास में आ जाए, आपके पास समय कम है, तो आप दिन में 8-8 घंटे क्लास देखो अपना सिलेबस निपटा लो। और उससे अच्छी बात कि इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका है, टॉप एजुकेटर्स ऑफ इंडिया आपको यहाँ पर अनअकैडमी पर पूरा का पूरा ट्रेन करते हैं। सोचो कि एजुकेटर अगर आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाएंगे, पूरा पूरा सिस्टम कि पहले बेसिक पढ़ाया, फिर अगला उसका स्टेप पढ़ाया, फिर लेवल को हल्के हल्के और पढ़ाया, तो आपका भाई लेवल बहुत बढ़िया तरीके से एग्जाम में एनहांस होने वाला है, ठीक है। पूरा सिलेबस कवर होगा, कंप्लीट एग्जाम की प्रिपरेशन, आपके डाउट लिए जाते हैं। देखो अनअकैडमी प्लस पे हर 3 क्लास के बाद एक क्लास होती है डाउट की, मतलब इस क्लास में जो बच्चा है वो अपने सारे डाउट्स को टीचर से डिस्कस करता है। तो अगर आप इस तरीके से पढ़ोगे कि थोड़ा पढ़ा और आपने डाउट डिस्कस कर लिए, तो आप इस तरीके से थोड़ा आगे बढ़ोगे। लाइव टेस्ट दोगे, स्टडी मटेरियल है, आंसर राइटिंग, जैसे कि कुछ एग्जाम में आंसर राइटिंग आती है मेंस की, तो आप इसमें करोगे, और मेंटरशिप और गाइडेंस तो आपको अनअकैडमी प्लस के थ्रू फिर मिलती रहती है, ठीक है। देखो भाई ये बैचेस हैं, एक देखो 5 अप्रैल से एक बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यूपीपीएससी का है ये, यानी कि अगर आप आरओ एआरओ की तैयारी करते हैं तो एकदम राम वाला बैच होने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स और यूपी स्पेशल,
तो करंट अफेयर्स पढ़ा रहे धनंजय सर और यूपी स्पेशल पढ़ा रही है आकांक्षा मैम। एक बार देखना प्रीति, एक बार देखना, आपको शायद गूगल पे करोगे गूगल पे मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये बैच आ रहा है बेटा यूपीएसआई का, यहाँ पर देखना बेटा कि ये वाला बैच आज से स्टार्ट हुआ है 8 अप्रैल से, ठीक है। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर आपको मैथ और ज्योग्राफी मैं ही पढ़ा रहा हूँ, फोटो थोड़ी पुरानी है, गंजी जब मैं गंजा हुआ करता था, ठीक है, तब की ये फोटो है। एक बैच आपका यहाँ पर, ये देखो ये आपका एक लक्ष्य बैच है, ठीक है, प्री कम मेंस का बैच है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये बैच भी कर सकते हो। अब आपने एक बार प्लान खरीद लिया तो आप इन सभी बैच को कर सकते हो भाई। अपर सबऑर्डिनेट का बैच हो गया, है ना, पीसीएस का बैच हो गया, लोअर पीसीएस का, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, पैट, लेखपाल, बीओ। सोच के देखो, हर कोचिंग में सारे एग्जाम की फीस अलग अलग देते हो और यहाँ पर एक बार तुमने फीस दे दी तो बस सभी एग्जाम की तैयारी तुम करते रहोगे, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बैच को कर सकते हो ज्वाइन। बैच के साथ साथ जो एजुकेटर के कोर्स आते हैं, जैसे कि मेरा कोर्स चल रहा है इस टाइम पे रेशियो वाला, ठीक है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस पे, ठीक है। करना कैसे है तो देखो, काफी कम पेमेंट पर है, पर मैं कहता हूँ पेमेंट इतना भी मत करो, डिस्काउंट ले लो। डिस्काउंट कैसे लोगे बेटा, तो यहाँ पर देखो मैं कहूंगा कि कोर्स लेना बेटा 2 साल का, क्योंकि 2 साल में आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, ठीक है। लाइक 1 साल की फीस कितनी है, 7,000, और 2 साल की फीस कितनी है बेटा, 8,400 रुपीज। तो मात्र 1400 रुपए देकर आपको पूरे के पूरे 1 साल के लिए सभी के सभी एजुकेटर के कोर्सेज, बैच मिल जाएंगे, आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, आपको लाइव टेस्ट मिल जाएंगे, डाउट सेशन मिल जाएंगे, पूरा का पूरा कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो ये इसकी फीस है बेटा 8,400 रुपीज, लेकिन अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे डिस्काउंट ले लो, ठीक है। डिस्काउंट कैसे लोगे, ये डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है GS22, कैपिटल जी कैपिटल S22, बिना किसी स्पेस के साथ, ठीक है। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड अप्लाई करोगे तो आपका 10% पैसा कम हो जाएगा और आपकी फीस बचेगी 7560 रुपए। और आप जो लाइव क्लास देखकर क्वाइंस कमाते हो तो पेमेंट के टाइम पर इन क्वाइंस को रिडीम करा लो तो आपको 10% तक की छूट और मिल सकती है, यानी कि आपको ये कोर्स 2 साल का मात्र पड़ सकता है 6804 रुपए में। क्या बात समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो काफी कम पैसे में आपके पास इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका है, तो ठीक है, पूरा का पूरा सिस्टमेटिकल तरीके से एक बार पढ़ लो, जिससे कि एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर पाओ। सो धन्यवाद, मुलाकात करेंगे अभी 10 बजे। इस लिंक पर जाओ, जाकर नोटिफाई में कर लो और फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से, सारे बच्चों से 10 बजे अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। और कोई डाउट आए, हाँ, किसी बच्चे को कुछ पूछना पाछना हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो अकेडमी पर ही, ठीक है भाई। चलिए मिलते क्लास के अंदर।